अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। गाइस आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाईजान जो है रात को सारे एहतिकाब वालों के लिए सूट देकर आए थे, और इसके बाद जो है फिर रात को देने के बाद जो है फिर अब मैं जो है फिर मैं फजर की नमाज पढ़कर आ रहा था। फजर की नमाज अदा करने के बाद आ रहा था और काफी देर हो गई थी, फिर मुझे लगे काम से भी चले गए। और फिर उसके बाद देख सकते हैं फजर का मौसम कितना जबरदस्त हो रहा था, माशाल्लाह से बिल्कुल चांद रात की रात में सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं फजर की नमाज़ अदा कर आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए। फिर उसके बाद जो है अफ्तारी वगैरह करके घूमने जाएंगे। चांद रात है आज क्योंकि, और आपको एडवांस में ईद मुबारक, चांद रात भी मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत। और इन्जॉय करें चांद रात को और मज़े करें। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस माशाल्लाह से आज जो है आपको आखिरी रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं जो है जोहर की नमाज अदा करके फिर सो गया था, फिर असर की नमाज भी उठा, और जो है मैंने असर की नमाज भी अदा कर ली। और चले आ जाए जल्दी से पहले अफ्तारी करने के लिए चलते हैं। मैं वहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी और मैं काफ़ी लेट उठा था ना, नमाज तो मैंने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है मैंने अफ्तारी वगैरह लगा दी थी, और आज की आखिरी इफ्तार है और अलविदा माह रमज़ान। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जगह से बिरयानी भी आई थी, मामा ने जो है समोसे वगैरह पकोड़े वगैरह भी इस तरह की चीज़ें बनाई थी, छोले वगैरह भी थी, सारी चीज़ें थी। तो आखिरी रोज़े के अंदर जो है बस पूरी रमज़ान जितनी सारी चीज़ें कहीं, फिर आखिरी रोज़े के अंदर जो है कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता और ना कुछ खाया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो है मैं रोज़ा अफ्तार कर रहा हूँ, रोज़ा अफ्तार का टाइम हो चुका था। तो आ जाएँ आप लोग भी अफ्तार कर लें। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग के कैसे कैसे रोज़े गुजरे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो माशाल्लाह बहुत रोज़े अच्छे गुजरे, और इस बार रोज़ों का पता भी नहीं चला। तो गाइस यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्तारी कर ली, और इफ्तारी के बाद जो है हम लोग तैयार होने के लिए जा रहा हूँ मैं। और तैयार होने के बाद जो है फिर हम लोग चांद रात, क्योंकि आज चांद रात है तो शॉपिंग करने के लिए ऑटोबान जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी जो है मैं रेडी हो चुका था, और अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर, और शॉपिंग की बात है वो भी दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो फिर आपको भी वहाँ का विजिट कराएंगे और दिखाएंगे, तो चले आ जाइए। तो गाइस यहाँ पर जो फिर हम लोग जो है ऑटोबान पर आए थे, वहाँ कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले रही थी। तो मैंने कहा हाँ मम्मा ले लें कुछ कॉस्मेटिक का सामान वगैरह लिया। तो मामा को स्लीपर वगैरह भी लेनी थी, मामा ने कहा कि मुझे चेयर में चप्पल वगैरह भी दिलाओ और सैंडल वगैरह भी दिलाओ, पर्स वगैरह भी दिलाओ। तो मम्मा देख रही थी बाकी कॉस्मेटिक का सामान, देख रही थी कि कुछ कॉस्मेटिक का सामान ले लूँ मैं। फिर मामा ने जो है सैंडल ली अपने लिए ईद की, और फिर सैंडल लेने के बाद जो है अभी जो मामा जो है सोच रही थी कि कौन सी लूँ, अभी जो है पसंद कर रही थी कि जो है, फिर मैंने कहा मामा फिर आगे चलेंगे फिर आपको सूट भी दिला लेते हैं। तो जो है फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है सैंडल ले ली थी मामा की, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी होती हैं सैंडल्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद जो हम आगे जा रहे हैं और शॉपिंग करने के लिए। और कैसे हैं आप लोग भाई? चांद रात के मौके पे तो घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग दूसरी कॉस्मेटिक की दुकान पर आए, फिर यहाँ से भी कुछ हमने चीज़ें वगैरह लीं। तो जो है और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़? माशाल्लाह से रोज़े कितने अच्छे गुजरे हैं और पता भी नहीं चला, और आज चांद रात हो गई है। और चांद रात तो काफ़ी सारे इन्जॉय कर रहे हैं। फिर मम्मा को लेके जाऊंगा मैं मेहंदी लगवाने के लिए, तो फिर मेहंदी लगवाने के लिए छोड़कर आऊंगा। तो अभी जो हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए थे, कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह लेने के लिए आए थे, और कुछ मामा को जो है गिफ्ट दिलाने थे मुझे। तो वो जो है ड्रेस वगैरह दिलाना था मामा को मुझे, तो मैंने जो है मामा को ड्रेस दिलाना था, तो इसलिए मैंने मामा को कहा कि चले आ जाए चलते हैं हम लोग, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी हो जाएगी आपकी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो जो है
तो यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा के साथ जो है हर जगह जाना घूमना। तो जो अच्छा लगता है जो है ना अपनी वालदा के साथ जो है मैं घूमता रहता हूँ यहाँ पर, और फिर उसके बाद उनको जो है दूसरी जगह से जो है बोनिंजा से जो है मैंने मामा को सूट्स वगैरह दिलाए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छी सूट्स आए हुए थे, न्यू कलेक्शन न्यू अराइवल्स आई हुई थी सारी, तो यहाँ से मैंने मामा को सूट्स वगैरह दिलाए। और फिर हम लोग खाड़ी वगैरह भी गए थे। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग आगे जाएंगे, और आप लोग भी कैसी गुजरी है आपकी चांदा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मेरा ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट अपलोडिंग हुई है। तो यहाँ पर जो है आपका भाई है, और मैंने कुछ जो है कुर्ते वगैरह देखे अपने लिए, और जेरोड से कुर्ता लिया मैंने अपने लिए, कुर्ता शलवार लिया। तो I'm a diamond, not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to ya? I'm a diamond, I'm a diamond. उसके बाद जो है हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, और शॉपिंग वगैरह करने के बाद जब हम लोग घर जा रहे थे, और घर जाने के बाद जो हमने भाई वगैरह को भी कहा था कि मेरे जल्दी नाश्ता वगैरह जो है ना आप लेकर आ जाइएगा, तो भाई जी ने कहा था कि हाँ मैं लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो हम लोग घर में आ चुके हैं शॉपिंग वगैरह करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो है अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो जो है अल्लाह पाक जो है सबकी मतलब सबके माँ बाप की औलाद फरवरदार हों। और फिर यहाँ पर जो है भाईजान नाश्ता वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि फिर ईद का नाश्ता और भी केक्स आने थे, तो काफ़ी सारे केक भी लेकर आए थे और बिस्किट्स वगैरह भी लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो है हमारा ईद का नाश्ता जो है डन हो चुका था, और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो भाईजान ने कहा था कि वो आज आई नहीं थी, मैं सुबह फौरी तौर पर जो है लेकर आऊँगा। फिर सुबह जो है हमारा नाश्ता जो होता है मरकज़ी शीरी की पूरी उससे कचौड़ी उनसे होता है, उसके बगैर तो वैसे हमारी ईद का नाश्ता नहीं होता। तो लाजमी जो है मेरे घर शीरी की कचौड़ियाँ वगैरह आती हैं, और यहाँ पर जो है सारा नाश्ता हमारा आ चुका है, बिस्किट्स वगैरह खारे वगैरह बुरानी बेकरी के, मुंबई बेकरी के और हैदराबाद बेकरी का सारा नाश्ता। तो अच्छा भी लगता है ईद पे सारा नाश्ता वाश्ता, फिर मम्मा शीर कौरमा वगैरह बनाएंगी सारा सब कुछ करके ना। तो जो है यहाँ पर सारा, और आप लोगों की कैसी ईद गुजरी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे रमदान मैंने आपके साथ अपनी ड्रीम शेयर किए, तो आपने बहुत अच्छा जो है फीडबैक दिया मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे अपनी आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली की तरह आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आ गए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे, मुझे अपने गांव में याद रखिएगा, और मेरी मदर को भी अपने गांव में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे, तो जो है फिर आपको ईद का व्लॉग भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और कल मामा बाबा के लिए आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ है, मामा बाबा के लिए भी सरप्राइज़ एक ट्विस्ट है, कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। ओके गाइज, और जो है कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, कल के व्लॉग में जो है हम लोगों ने ट्विस्ट रखा है आप लोग के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज के सारा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हंसी खुशी मिलते जुलते रहें अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, उनसे दुआएं लेते मिले। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम।